हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज ऑफिस में आपके लिए पीसी जुलॉस पे अपडेट लेके आया हूँ। तो पीसी जुलॉस में आप देखेंगे आजकल अच्छी खासी गिरावट का दौर चालू था, और अभी तक मैं आपको अपडेट इसलिए लेके नहीं आ रहा था इसमें फर्दर, क्योंकि अभी तक उसमें इसमें ट्रेंड नहीं था और ये शॉर्ट ट्रेंड में ही था। बट मुझे अब लगता है कि यहाँ से, और ये आप देखेंगे तो ये अभी बैन से बाहर है। आज के डेट में जो बैन में है वो है अदानी इंटरप्राइज, अदानी पावर। 27 तारीख के डेट में अगर बैन की लिस्ट देखेंगे जिसमें DHFL और जेट एयरवेज है, मीन्स ये बैन से बाहर चल रहा है, बैन में भी नहीं है। और इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक अच्छी खासी पैटर्न बन रही है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा मोड़ा आप इसमें बुलिश पैटर्न बना सकते हैं। तो चलिए पहले आज की ट्रेडिंग को देखते क्या हुआ। तो आज देखेंगे तो आज ये ओपन जब हुआ ये, तो आप देखेंगे 74 पे ओपन हुआ, प्रीवियस लो 74.50 का था और 74 पे ओपन हुआ, और उसके बाद इसने एक बार 74.80 का भी हाई बनाया और 72 का लो बनाया, लो से फिर ऊपर गया। तो आज आज क्लोजिंग टाइम में देखेंगे तो ये अपने लो के आसपास ट्रेडिंग कर रहा था। तो इससे यहाँ जो इंडिकेशन मिलता है कि ये लो फर्दर क्या दिखाएगा क्या, और अगर वॉल्यूम से भी देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम से भी जो दिख रहा है यहाँ से भी, तो ये अपना लोअर प्राइस पे क्लोज कर रहा है। लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा, अगर थोड़ा है रिस्क है, ऐसा हो सकता है कि ये आपको अगर चार्ट पे देखेंगे तो हो सकता है आपको 6944 का एक बार लेवल टच करके ऊपर जाए, बट जो रिस्क है वो ना थोड़ा कम दिखता है। यहाँ पे दिख रहा है रिस्क हमको 69 का, तो अगर 69 68 68 का स्टॉप लॉस लेकर के कोई बाइंग करना चाहते हैं तो वहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिख रही है, यहाँ से 15 रुपये 20 रुपये के लिए। मुझे दिख रहा है कि यहाँ से ये ऊपर ज़्यादा जा सकता है, 1-2 रुपये नीचे जा सकता है, क्योंकि लास्ट आवर में जो इसने लो बनाया 72 का और उसी के आसपास ये ट्रेड करते रहा, तो लास्ट आवर में इसने लोअर साइड ही बनाया और वॉल्यूम वेटेड एवरेज से भी आपको लो दिख रहा है। सेंटीमेंट देखेंगे तो भाई दिख रहा है, और आज 27 तारीख है, वो देखेंगे इसमें एक ब्लॉक डील भी हुआ है यहाँ पे 12 नवंबर को हुआ है 88 पे। तो इन सब सब चीज़ों से देख कर, और आज का जो वॉल्यूम देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 87 लाख का वॉल्यूम था, तो अच्छे खासे वापस ट्रेडर इसमें घुस चुके हैं। और एक अच्छी चीज़ बताऊँ आपको, तो ये देखिए अब जो 6% 7% की वॉल्यूम थी, डिलीवरी परसेंटेज वो 11% पर चली गई है, मीन्स इसमें एंट्री तो हुई है। लोग अब इसको चाहे जिस रूप से ट्रेडर एंट्री करके बाय कर रहे हो, चाहे किसने भी बाय तो कर रहे हैं, और इसमें एंट्री दिख रही है शॉर्ट टर्म के लिए ही है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा स्क्रिप्ट हो चुका है, मैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। किसी को अगर इसमें ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पर एक पोजिशन बना सकते हैं। और आप यहाँ पर अगर मैं आपको दिसंबर के कॉल पुट को भी दिखाऊँ, ये दिसंबर का 27 दिसंबर का देखिए, जो 72.45 पे क्लोजिंग है, तो आज के 27 नवंबर को देखिए, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे हर लेवल पे कॉल पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रही है। अब 80 पे 33 हज़ार का एडिशन आज हुआ है, और 90 पे 28 हज़ार का, और 100 पे 34,500 का। तो वापस ऐसा दिखता है जो सबसे ज़्यादा अपने को बनी है यहाँ पे पोजिशन है 99,000, मतलब 1 लाख का, वो आपको 80 के लेवल पे है। तो एक बार यहाँ से हो सकता है ये आपको 80 और 80 की जगह या 90 भी दिखा देगा आपको, हो सकता है 92 95 फिर से दिखाए आपको, बट 100 क्रॉस नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता है कि ये जो पोजीशन बनी है उसके आधार पे 100 क्रॉस करेगा, बट आपको यहाँ से एक बार 72 से 95 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर किसी को पोजिशन वैसी बनानी हो तो आप बना सकते हैं, और चाहें तो आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं 70 का कॉल लेकर के, क्योंकि 8 रुपये में मिल रहा है आपको, तो 70 का कॉल चाहे 8 रुपये में ले ले तो भी चलेगा, और नहीं तो 75 का कॉल 5 रुपये 60 पैसे पे, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो, ये 1500 का लॉट साइज है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप दिसंबर की ट्रेडिंग पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, पोजिशन नहीं बनेगी, पेपर ट्रेडिंग कीजिए और 75 का कॉल एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। आज देखेंगे तो इसमें 1 रुपये 90 पैसे टूटा है, लॉस हुआ है, तो आप अगर लॉस बियर करने रिस्क टेकर हैं तो आप बना सकते हैं, और नहीं तो आप 200-300 क्वांटिटी इसको 100-100 क्वांटिटी करके इसको कैश में बाय करके अपने पोजीशन पे रख सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर 10-12 रुपये जाएगा तो आपको ज़्यादा लॉस या ज़्यादा गेन नहीं होगा, नीचे जाएगा तो आप एवरेज भी कर लेंगे, और ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ पे एक 75 का कॉल जो 560 में मिल रहा है, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आपको यहाँ पे 5 रुपये में भी आसपास कल मिल जाता है, या 5.5 रुपये, तो 7,500 का इन्वेस्टमेंट है सिर्फ, और यहाँ से आपको अच्छा खासा गेन देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं वापस आपको ये बताऊँ तो आप चार्ट पे चलें
तो आपको यहाँ पे एक 69 का पहला सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट है आपको 58 का। ये दोनों सपोर्ट अभी तो नहीं टूटने वाला है, ये दोनों सपोर्ट को नहीं तोड़ेगा। और अगर आप देखेंगे जो इसने 4685 बनाया, इतना जल्दी अभी नहीं बनाएगा। तो मुझे एक बार लगता है कि यहाँ से एक बार वापस आपको ये 95, 94, 95 जो यहाँ पे बनाया है वहाँ तक जा सकता है। तो मैं अगर एरो खींच दूँ एक बार इसके लिए, तो आपको यहाँ तक एक बार 95 तक आपको शायद दिखा सकता है। तो आप चाहें तो ये 95 के लेवल को के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ से पॉजिटिव ओपन है, लेकिन यहाँ पे एक 81 है, तो 81 पे भी एक थोड़ा सा इसको हर्डल है। तो यहाँ 81 क्रॉस करेगा, 81, 82 क्रॉस करता है तो फिर आपको 95 भी दिखाएगा। तो ये दो लेवल है आपको, नीचे सपोर्ट आपका 68, आप 68 के स्टॉप लॉस से इसको ट्रेड कर सकते हैं ऊपर की ओर, और थोड़ा सा कम करेंगे 65 कर देंगे तो बेहतर होगा। तो 65 के स्टॉप लॉस से आप इसको एक बार वॉच कीजिए और पेपर ट्रेडिंग कीजिए और बाय कीजिए। तो वापस मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने कोई लॉन्ग पोजिशन बनाने के लिए नहीं बोला है, इसमें बाइंग करके रखने के लिए बोला है। और आपको अब यहाँ पे आप बाइंग भी करते हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। तो यहाँ पे आप बाय कीजिए, आपको हो सकता है 95, 99, 100 दिखाएगा ये एक बार। तो ऐसा जो ट्रेड करेगा तो वैसा अभी सीजन है, एक बार अपवर्ड ले सकते हैं, ऐसा चार्ट पे पता चलता है। ऐसे इसके ट्रेडिंग जो इसने पोजीशन जो बना रहा है कॉट पुल को, कॉल पुट पे जो बना रहा है, डेरिवेटिव में जो पोजीशन, ऐसा दिखता है एक बार 100 ये टच कर सकता है। तो ये सिर्फ एडवाइस थी, आप चाहें तो अपने पोजीशन बनाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करें, फ्री पोजीशन बने, अदरवाइज़ कोई लॉस हो जाएगा तो उसके लिए हमें कोई भी जिम्मेदार नहीं। ये सारा एजुकेशन पर्पज़ से ही सिर्फ आपको बताया जा रहा है। तो 65 के स्टॉप लॉस से आप बाइंग पोजीशन में पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।